हेलो, कैसे हो आप लोग? जरूर अच्छे होंगे। मैं हूँ गौरी, और गौरी द फूड ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, वो देखिए, जब भी मेरे हाथ में मोबाइल देखती है ऐसे ही मुंह को इतना छुपाती है, इतना छुपाती है। वो देखो, गुड मॉर्निंग बोलो सबको। बोलो गुड मॉर्निंग, बोलो बोलो बोलो। मेरी तरफ क्या देख रही है? गुड मॉर्निंग बोल। मेरे हाथ में कैमरे देखती है उसका मूड ऑफ हो जाता है। इतना आसानी है। क्या है, क्या खाने वाली हो तुम? खाना बनाने का तैयारी करती हूँ और देखती हूँ आज मैं दोपहर को क्या बनाती हूँ। तो मेरे साथ रहिए बस। और मेरा बोपू का तो अलग ही टेंशन में रहती है और उसी टाइम का। हे दोस्तों, चलिए फिर आज हम दोपहर का खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। तो आज मैं दोपहर को मशरूम और गार्लिक फ्राई करूँगी। सिंपल मशरूम तो मुझे पसंद है ही, तो मशरूम फ्राई विद गार्लिक, यम्मी। मशरूम साफ हो गया, फ्रेश दिख रहा है बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं। बस दोस्तों, सब कुछ मेरा रेडी हो चुका है। अब मैं तेल डाली हूँ कढ़ाई में और थोड़ा सा गार्लिक दे दूँगी। और इधर मेरा चावल पक रहा है और थोड़ा लाल होने दीजिए। अब मैं मशरूम दे दूँगी। दोस्तों मशरूम बहुत ही पानी वाला सब्जी होता है, जिस वजह से कढ़ाई में देते ही थोड़ा पानी छूट जाता है। अब इसे भुने देंगे आहिस्ता आहिस्ता। दोस्तों मेरा मशरूम फ्राई बन के हो चुका है, तो इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर का पाउडर देना चाहिए था, लेकिन वो मेरे पास है नहीं। बट कुछ नहीं, जो है जैसा है वैसे ही बनाने का। ओके ठीक है। दोस्तों अभी मैं रोटी बना रही हूँ बस। दोस्तों मेरा खाना बना के हो चुका है, आमरस और रोटी और मशरूम की सब्जी। तो आप लोग भी आइए हमारे घर पे, आप सबका इनवाइट है, ज़रूर आइएगा खाना खाने। तो आज के लिए मैं ब्लॉग इधर ही ख़त्म कर रही हूँ। कल मिलेंगे कोई नया ब्लॉग के साथ, तब तक अच्छे रहना, खुश रहना। बाय बाय, टाटा।